ते वेस्टर्न, सब स्टाइल वेस्टर्न हो गया है, सब लोग वेस्टर्न यूज़ करते हैं, इंग्लिश हाई फाई होने चाहते हैं, लेवल बढ़ गया है, क्या कर सकते हैं अभी। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बंद करना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नहीं पीना चाहिए, बैन लगाना चाहिए, पोस्टर लगाना चाहिए, करना चाहिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को। पहले तो कंपनियों के ऊपर कुछ बैन लगना चाहिए कि इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनावे। सेकेंडली गवर्नमेंट पार्ट ऑफ यू, इसके लिए कोई प्रोसीजर, कोई रूल्स रेगुलेशन बनना चाहिए कि भाई किसको यूज़ करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। आपने लोग तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है कि भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपको जो चीज़ में सरकार ने अच्छे चीज़ के लिए हक दिया है वही वापरो, गलत चीज़ के लिए वापरोगे तो पछताना पड़ेगा। ये तो आज की जो नई जनरेशन है उसके पास दिमाग सोचने की शक्ति कम है, वो ये नहीं सोच सकते कि जो चीज़ वो ले रहे हैं वो सही है गलत है क्या है। और ये क्या है, वायरस जैसी चीज़ हो गई है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में साथ में उठने बैठने से भी फैलती है। अभी उनको सोचना है कि क्या करना चाहिए इसके लिए। ये चीज़ नहीं करना चाहिए इंडिया में, ये चीज़ गलत है। मोस्टली औरतों को नहीं करना चाहिए, घर के सारे काम करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ बेकार है वैसे औरतों के लिए, क्योंकि एक नशा पत्ती जो बनाया इंसानों के लिए बनाया है, मर्दों के लिए बनाया, औरतों के लिए नहीं बनाया। तो चीज़ गलत है, मैं तो ये राय दूंगा उनको नहीं करना चाहिए। और आजकल की जनरेशन ज़्यादातर स्मैक गांजा स्पेम सारा कुछ पी रही है, उनको नहीं पीना चाहिए, इसलिए गलत है। राय यही है कि सरकार को बैन करना चाहिए सिगरेट्स पे, ताकि और इंसान भी ना पिए। हमारी जनरेशन बिगड़ रही है, हम खुद बिगड़े पड़े हैं, तो हमारी जनरेशन आगे वाली ना बिगड़े और तो हमारी बहन बेटी ना बिगड़े, तो उन चीज़ बैन लगाना चाहिए। बैन लगेगा जब मार्केट में चीज़ होगी नहीं तो कोई पिएगा नहीं। ये जो कोई संस्था खोल रहे हैं ना, जो नशा छुड़ाने के लिए, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, उसमें कुछ एडवाइज़र भी, जहाँ जो भी इस दोज पीपल दोज आर कंसर्न विथ अल्कोहल एंड व्हाटएवर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, तो उसमें क्या माँ बाप का भी काम है कि उनको समझाने के लिए, पर आजकल बच्चे माँ बाप के कमती सुनते हैं। तो है ये, पहले तो इनको जो भी मंदिर जाने वाले हैं, चलो गुरुद्वारा हमारे जो जाते हैं वो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप हमारे लोग तो पीते नहीं ज़्यादा, पर बोल नहीं, गारंटी नहीं दे सकते, पर हमारे सिख धर्म में ये हम लोग नशा हमारे लिए मना है, तो कमती है। आप देखते हैं, आप बॉम्बे में रहते हैं या कहीं वर्ल्ड में देखो, तो वो ही है कि माँ बाप करे या कोई ऐसी संस्था बनाएं जहाँ इनको छुड़ाने के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट हो, जो भी है मतलब डॉक्टर है, पूछे भी तेरे को तकलीफ क्या है, उस हिसाब से जो मेडिकेट करें, उनको दवाई शवाई जो भी होती है तो उनको दें, तो ऐसे थोड़ा छुटकारा हो सकता है। महिलाओं के बारे में क्या कर सकता है, जो बड़ा घर का लड़की लोग रहता है, गरीब लोग का थोड़ा रहता है वो लड़की लोग, क्या ऐसा ऐसा है ऐसा कर रहे हैं, उसको थोड़ा स्मोकिंग करने का चल रहा, जो पैसा किधर का जाने का पैसा, माँ बाप को क्या स्कूल में जाने टाइम पैसा स्कूल में खाने का पीने का दे दो, बोलता है स्मोकिंग करता है इधर, ऐसा ही चल रहा है ना। बड़ा घर का उसका बिजनेस भी दो नंबर का रहता है पिताजी का, इसके लिए वो कर सकता है। अभी क्या कर सकता है, तुम जाओ बोलो ना क्या करेगा। ऐसा ही उसका कुछ किधर पीता होएगा तो कुछ तुम ऐसा जैसा अभी क्या मेरा लगा मेरे ऊपर, उसके ऊपर भी लगाओ, बाद में टीवी में कुछ एडवर्टाइज दे दो, उसको पिताजी को मालूम पड़ना मांगता है कि अपना लड़की क्या करता है। बदलते दुनिया के साथ में सब लोग बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, तो अब उस हिसाब से कल्चर भी धीरे धीरे है बदल रहे हैं। यहाँ से सीधा वेस्टर्न साइड में जाते हो तो यहाँ न्यू मुंबई के अधिकतर लोग वहाँ पे है, हाँ तो क्या है, जब कहीं ना कहीं से कल्चर है, अब लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर अब इधर लेके आ रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते। पहले के जैसा तब रहा नहीं कि लोग पहले घूंघट में औरतें रहती थी उनका कोई, लेकिन आज की डेट में क्या है, उससे है जब कंधे से कंधा मिला करके है चल रहे हैं, तो फिर अभी फ़र्क क्या है। अभी हमारे राय से कुछ होता है क्या, अपने अंदर है अपनी राय बदलनी चाहिए, हमारे राय से कुछ नहीं होता है।